आप देखें लर्निंग फॉर हेल्थ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएसएस स्नो का असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्यूशन। अच्छा, इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का दिखाया गया है कि आपने क्या करना है, ठीक है, आपने किस तरह करना है इसको। तो इंक्रिप्शन मतलब कोई मैसेज है, हमने उसको साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर देना है। मतलब साइफर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है कि जिसमें हम वो जो आम बंदा है ना, वो उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो जो मैसेज होगा हमारा, हम उसको इंक्रिप्ट कर देंगे। फिर जो मैसेज होगा उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको दोबारा से सैंपल फॉर्म में हमने लाना होगा, ठीक है। तो ये इसमें हमें बताया गया है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी एमएस वर्ड फाइल जो है ना, वो सबमिट करानी है। कोई स्क्रीनशॉट हमने नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना, कोड देंगे सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, आपने क्या करना है, कोड जो है ना आप लेंगे तो उसको आपने कंफर्म कर लेना है कि कोड ठीक है या गलत है, कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये जो कोड है ये मैं आपको फ्राम कर दूंगा। मजीद अगर किसी ने पेड असाइनमेंट बनवानी है तो वो मुझसे बनवा सकता है। अब इसमें आपने क्या करना है, जैसे मैंने अब ये क्वेश्चन 1 है, अब इस क्वेश्चन 1 को हम जो है ना रन करते हैं, क्योंकि इस कोड को मैं एक्सप्लेन पूरा तो नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, दोनों हैं इसमें सवाल। तो सिंपल इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद आपने सिलेक्ट करना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम लॉग इन कर रहे हैं तो हम इंक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप कौन सा मैसेज इंक्रिप्ट करना चाहते हैं, मैं लिख देता हूँ आई एम वकास। अच्छा, आपने स्पेस नहीं देनी इसको, आपने इसमें स्पेस नहीं देनी, आपने इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपने की कोई देनी है, मैं 1 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब जो मेरा ये मैसेज है ना, इसको आप किसी चीज पे लिख लें या कुछ कर लें कि आपको पता लग जाए कि हाँ ये वाला हमने, जब हम डिक्रिप्ट करेंगे तो ये हमें शो होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने नोट कर लिया है। अब मैं इसको दोबारा से एग्जिट करता हूँ और दोबारा इसको रन करेंगे। अब हम डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो मैं 2 पुट करूंगा। जो मैसेज आप डिक्रिप्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अब आपने वो लिखना है, ठीक है, जो कोड था हमें दिया हुआ साइफर टेक्स्ट। तो इसको JBNX जो मेरा था, ठीक है, BRBT ये वाला मैसेज था मेरा। तो मैं इंटर करता हूँ, मैं की पुट करूंगा जो मैंने वहां पे दी थी। तो देखें आई एम वकास, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया शायद, मुझसे इधर गड़बड़ हो गई है थोड़ी। तो इस तरह ये इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। ये सवाल नंबर 1 हो गया, ठीक है, ये बिल्कुल कोड एक्यूरेट है। अच्छा, इसी तरह हमने सवाल नंबर 2 भी करना है। तो सवाल नंबर 2 करने के लिए मैं यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी मैं रन किया था, अभी सवाल नंबर 2 है। अब इसमें जो है ना, जो चीज थी ये सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 2 है। तो हमने एक फंक्शन राइट करना था सिग्नेचर, जो क्रिएट फाइल के नाम से होगा API, ठीक है। तो इसमें हमने एक फाइल टेक्स्ट जो है क्रिएट करनी होगी, इससे रिलेटेड था, ठीक है। तो अब इसका जो कोड है ये दिया गया, मैं इसको यहाँ से आप देख लें। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। तो आपने इसको भी रन करना है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी जो है ना दूसरी फाइल रन कर रहा है, तो मैं जो exe फाइल है सेम डायरेक्टरी में होगी शायद, तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। हम exe फाइल इनकी डिलीट कर देंगे, मतलब ये लास्ट वाली को रन कर देगा। अब दोबारा से इसको हम चलाते हैं। अब देखें, अब आपने यहाँ पे नाम डालना है फाइल का और ये को सेव हो जाएगा। इस तरह ये आपका कोड बिल्कुल वर्किंग हालत में है। तो अगर किसी ने बनवानी है तो मुझसे रब्ता कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर फ्राम कर दूंगा और वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको फ्राम कर दूंगा, जहाँ से आप इस सोल्यूशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।